लावा युवा 3 प्रो को अभी लॉन्च हुए करीबन एक महीना भी नहीं हुआ है और अब लावा स्ट्रॉम 5G स्मार्टफोन 21 दिसंबर को इंडिया मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला है। वेल, इस स्मार्टफोन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी लीक हो चुकी है या फिर सामने आ चुकी है। लावा स्ट्रॉम 5G एक 5G स्मार्टफोन है और स्ट्रॉम वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि लावा को ऐसा लग रहा है कि जब उसका लावा स्ट्रॉम 5G इंडिया मार्केट में लॉन्च होगा, एक टाइप का तूफान लेके आएगा उस सेगमेंट के अंदर, जहां पे उस सेगमेंट के अंदर बाकी सारे कॉम्पिटिशन टिक भी नहीं पाएंगे। लावा स्ट्रॉम 5G की बात करें तो वो एक बॉक्सी डिजाइन के साथ में आने वाला है विद कर्व्ड एजेस। वहां पे आपको 3 सर्कुलर डिजाइन देखने को मिलेगी बैक साइड के अंदर। हालांकि वहां पे सिर्फ 2 ही कैमरा मॉड्यूल वाली डिजाइन है, बाकी जो थर्ड सर्कुलर मॉड्यूल है वहां पे फ्लैश रखा गया है। इन शॉर्ट, लावा स्ट्रॉम 5G के अंदर आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो लावा स्ट्रॉम 5G है, यहाँ पे आपको 2 कलर ऑप्शंस डेफिनेटली मिल जाएंगे, एक ग्रीन और दूसरा ब्लैक। आपका फेवरेट कलर कौन सा है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। लावा की तरफ से जो फोटोज रिलीज की गई है उससे एक चीज और क्लियर हो चुकी है, यहाँ पे आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। कुछ ट्वीट्स से ये भी लगभग कंफर्म हो चुका है कि लावा स्ट्रॉम 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000 वाला फोन होने वाला है। इन शॉर्ट, ये एक बजट 5G कैटेगरी के अंदर लॉन्च होने वाला है। वैसे प्रोसेसर की बात करें तो लावा की तरफ से प्रोसेसर कंफर्म हो चुका है, MediaTek का 6080 प्रोसेसर यूज किया गया है। इतना ही नहीं, स्मार्टफोन के अंदर आपको 8GB का रैम देखने को मिलेगा, DDR4X का रैम और 120GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी UFS 2.1 की। और ये चीज तो होनी ही थी क्योंकि लावा युवा 3 प्रो जो कि 9000 रुपए में मिलता है, यहाँ पे भी लावा ने एक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है जहां पे 8GB का रैम दिया है और 120GB की इंटरनल स्टोरेज दी है UFS 2.1 की। अच्छा, एक और लीक निकल के आई है कि लावा स्ट्रॉम 5G के अंदर आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिलेगा। अभी ये एक टाइप का कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि ये जो 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, ये पीछे की साइड का जो सेकंड कैमरा है वो होने वाला है या फिर सेल्फी कैमरे के अंदर 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यूज किया गया है। ये चीज अभी तो कंफर्म हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन लॉन्च के टाइम पे आपको पता चल जाएगी। रही बात बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। रही बात फास्ट चार्जिंग की, तो आपके हिसाब से कितनी फास्ट चार्जिंग मिलनी चाहिए अंडर 15,000 रुपीज फोन? हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये एक टाइप का तूफान लेके आएगा इस कैटेगरी के अंदर, तो पॉसिबली यहाँ पे आपको 33 वॉट के ऊपर की फास्ट चार्जिंग शायद देखने को मिल जाए। कुछ कह नहीं सकते, लॉन्च पे ही पता चलेगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये जिस कैटेगरी के अंदर लॉन्च होने वाला है उस कैटेगरी के अंदर लावा स्ट्रॉम 5G काफी तूफान मचाने वाला है। वैसे आपके हिसाब से इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होनी चाहिए? वैसे लीक्स के हिसाब से तो अंडर 15,000 निकल के आया, लेकिन अंडर 15,000 भी बहुत बड़ा वेरिएशन होता है। 14999 होता है, 13999 होता है, 12999 होता है। आपके हिसाब से स्मार्टफोन किस प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च होना चाहिए हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। इसके अलावा क्या आप लोग एक 4G सिम वाला राउटर ढूंढ रहे हो? आपके घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है तो ये वाला वीडियो जाके चेकआउट कर लीजिए, मजा आ जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।